नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ीदा जी दीपक में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो आधारित है श्री राजवंशी बालागुरिया जी के जन्म पर। तो दोस्तों, बात करते हैं गोलू देवता की। इनके बारे में जो जग जाहिर है कि न्याय के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। गरीब का मैती, बलिया का देव, मतलब गरीब का समझ लो कि मायके वाले, और निर्बल का देव, निर्बल के लिए खड़े होने वाले एकमात्र देव श्री राजवंशी बालागुरिया। यूँ तो उत्तराखंड में अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं। क्षत्रिय वंशी राजाओं में जो सबसे ज़्यादा जिन देवताओं का प्रचलन हुआ वह हैं श्री राजवंशी गोरिया। तो आज इसी पर आधारित ये वीडियो है, और आज राजवंशी गोरिया जी के संदर्भ में ही हम बात करेंगे। गोलजू का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो हुआ चंपावत में, क्योंकि इनके पिताजी जो है झालूराई गढ़ चंपावत के एक राजा थे और उनकी 7 रानियां थी। कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा झालूराई जी ने 80 वर्ष की उम्र बताते हैं कि इनकी हो चुकी थी। ये जागर में आपने सुनने को मिला होगा, सबकी अलग अलग जागरों में अलग अलग कहानियां होती हैं, लेकिन कई जागरों में इनको 80 वर्ष, किसी में 60 वर्ष कहा जाता है। तो एग्जैक्ट तो किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है कि उनके पिताजी की उम्र क्या थी, लेकिन फिर भी कई जागरों में हमने सुना है, तो हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं कि बूढ़ा झालराई काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनसे राजपाट होता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है और मेरी 7 रानियां हैं, तो वो बड़े उदास हो जाते हैं। तो उनके जो मंत्री होते हैं, उन्होंने राजा से इनका कारण पूछा कि भाई आप इतने उदास क्यों, आपका राजपाट पर मन नहीं लग रहा है? तो वो उनको बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी है, मेरी 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, और मुझे चिंता है कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरी 7 रानियाँ हैं और इनसे अभी तक मेरे को एक भी संतान का सुख नहीं मिला। तो उनके जो मंत्री जी होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप अपने जो इष्ट देव, जो उनके भैरव होते हैं, उनकी तपस्या करें। तो कहते हैं कि झालूराई जी ने भैरव जी की तपस्या करी, घोर तपस्या करी कहते हैं। अब जो भी हो समय रहा होगा दोस्तों, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने भैरव जी की तपस्या करी तो भैरव जी ने उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए, तो भैरव जी ने बोला भाई राजा, आपकी किस्मत में तो खैर कोई संतान का सुख है ही नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपनी तप से प्रसन्न किया है तो मैं आपको वरदान दे के जरूर जाऊँगा। आपको एक और विवाह करना होगा, और उस विवाह से जो है मेरा अंश अवतार जन्म लेगा, यानी कि मैं ही उस अंश बनकर तुम्हारे घर पे जन्म लूँगा, और मेरा ही अंश तुम्हारे घर में जो है गौर भैरव के नाम से जाना जाएगा। राजा झालराई को जब भैरव जी ने यह वरदान दिया कि आपका जो पुत्र होगा वो एक न्यायकारी देव कहलाएगा और न्याय के लिए जगत में प्रसिद्ध होगा, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए तुम्हें एक विवाह और करना पड़ेगा। तो यह कहकर भैरव जी ने जब ये बात बोली तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसके बाद राजा जब अपने महल वापस आए तो वो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन समस्या उनके सामने यही थी कि वो अब अगला विवाह किससे करेंगे, 7 रानियां तो पहले से ही हैं। तो देखो, ऊपर वाले की ऐसी माया होती है, जिस काम ने होना होता है ना, तो वो कहते हैं कि वो काम होके रहता है। तो राजा झालूराई जो है माता कनर के, जो जिसको कलिंगा भी कहा जाता है, वैसे उसका नाम कहते हैं कनर, माता कलिंगा के रूप में मोहित जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार मैं तो पानी पीने आया था, मैंने पानी भी पी लिया, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहानी थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। तो जब वो बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि भाई इसके लिए तुम्हें मेरे दादू की याद लेनी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि आपके दादू कौन है, तो माता कहती है कि भाई मेरे दादू सदाशिव जी हैं, या उस टाइम के पंच, क्योंकि वो पंचनाम देवताओं की धर्म बहन होती है। और तो फिर वो बोलती है कि भाई आपको मेरे दादू से जो है इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो तो ऐसे है। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे दादू से जो है बात कर लूँगा। तो राजा जो है झालराई जो है सदाशिव जी की कहते हैं तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो अलग अलग कहानियों में अलग अलग मत हैं, अलग अलग कहानियाँ लगती हैं। तो मैं तो वही कहानी बता रहा हूँ जो हमारे इधर जो काफ़ी प्रचलन में है, तो मैं बालागुरिया जी की वही कहानी आपको बता रहा हूँ। तो तब मैं बैठ जाते हैं, तो तब मैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं भाई यार क्या चाहिए तुझे? वो कहते हैं जी मुझे माता कनर का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि भाई एक बता, तू इस 80 वर्ष का हो गया है और इस उम्र में तू लोग धन दौलत कुछ चीज़ मांगते हैं, तू मांग रहे हो मतलब कि मुझसे कलिंगा का हाथ, तो अपनी उम्र तो देखो जरा। तो वो अपनी सारी व्यवस्था बताते हैं कि अभी मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ रानियां हैं और मेरे पास राजबाट चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि भाई मेरी शादी जो है इनसे करा दीजिए। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है। तो
राजा झालराय की और कलिंगा की शादी हो जाती है, उनका डोला लेके वो गढ़चंपावत आ जाते हैं। तो इससे आगे की कहानी आपने जागर वीडियो में सुनी होगी, ये तो पूरे उत्तराखंड में हर घर घरों में खैर ये कहानी चलती है। उसके बाद सात रानियाँ जो हैं कैसा प्रपंच रचती हैं, क्योंकि वो बहुत चिढ़ती हैं कि इसके अगर बचकल को पुत्र हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा, हमारा जो मान घट जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। तो उस जब बालक पैदा होता है, तो जब गुड़िया जी पैदा होते हैं तो उनके पैदा होते ही वहाँ पे वो सील और सिलबट्टा रख देते हैं, कहते हैं कि माता का नरक हो कि तुम्हारे से जो कोई औलाद पैदा नहीं हुई है, तुमसे तो सिलबट्टा पैदा हुआ है। जब बालक पैदा होता है तो उसको मारने के लिए बहुत षड्यंत्र रचती हैं, कभी उसे नूड़ की खात में डाल देती हैं, किसी घोड़ी साल में डाल देते हैं, कभी पानी में डुबा देते हैं, इसको अलग अलग तरीके से उनके लिए प्रपंच रचे जाते हैं। और क्योंकि बालक तो चमत्कारी होते हैं, वो भगवान भैरव के अवतार होते हैं, तो इनको इतनी चिंता ही होती ही नहीं है। तो जब कहीं से भी रानियों को सफलता नहीं मिलती, भगवान गोरिया को कहते हैं नदी में बहा दिया जाता है। तो इससे आगे की कहानी आपने जगह जगह सुनी होगी, तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको सीधे वीडियो पे ले चलता हूँ। बुला झाल लाइल काला बसर को आज पड़ गए हो रे काला बसर वा घोड़ी साल पे घोड़ी निकालते हैं मेरा कात का भौजिया निकालते है मेरा मार मार बिका बिगे राजवंशी चर काट का भौजिया चलू बुला झाल लाइल काला बसर को आज पड़ गए मेरा वो घोड़ी निकाल है अब हाँ घोड़ी में सवार है भी लखी जंगल करतारी भावर में लगी मेरा बुला झाल लाई लखी जंगल कर तारी भावर में लगी दिन में घूमने घूमने बुला झाल लाई की प्यास लगी अब तब काला बसर को आज बढ़ गए अरे काला बसर को कथा पांड मिल से पांड जा कुणी मुके प्यास लगी कुणी बुला झाल लाई तब काला बसर को बुला झाल लाई मेरा मामा महजन के राजा सुनमुठी ते का देह हाथ वाला तब बार बार से की कन्या भरे तब गुणे और नन मन क्या का दिख से पहले डबल जा तब दे पान पे लगुण राज को पानी प्याज ले रखो और राज हिला त्यार हिल हमार के राज बड़ा झाला ही आएगी मेरा तब गुणे बड़ा झाला हो जाओ पहले डबल जाओ तब पान पेला बोरिया बड़ा झाला हूँ गुणे पहले पान में बुला धाल लाए कुणी हमर बान है सर तक सुनमुठी तेगा करे है सर शिव जी बार बार सीखी तपस्या में भरे आप कला में तो तब मेरा वो बुला धाल लाए शिव जी की भक्ति करण भगी बार बार से मेरा वो खड़ी तपस्या करण भगी बुला धाल लाए पास ढेर गुण लाए वो हंसनी हंसन रह रहे तब शिव जी मारो दधारो चिमट मेरा बुला झाल राय हूँ कोई कार्य भक्ता के मान से बता महाराज मुख मेरा मेरे पा औलाद मिशन गुणो मुख औलादा बर विद्या गुणो मेरा रोहाव दो तुम्हारे बैंड से कालिंगा एक मुख दिद्या गुणो अन्न मांगने धन मांगने क्यों मांगण थे राजवंशी माता कालिंगा मेरा लखी जंगल में डोल काज में ले गई अब दर्शन पावत में माता कालिंगा डोल काज में ले गई सी मेरा प्रभु ऐसी होना हरे माता कालिंगा का मेरा गर्भ में तिल जन्म लिया है फिर माता कालिंगा को मास लगे अब बोल बात दिन में हुण महर जो है बोल कालिंगा देनी आंख में सोन उलगो बई आंख में भादो झुलगो राजवंशी मेरा माता कालिंगा गर्भ में छे तीर तीनों आखिरी मुख में डाल रहे गोरिया चल लागू धरती कान हा चर से पिते ही कान राजवंशी गोरिया चोर कबे पकड़ से साक बे छोड़ से सात सौ दिन यार मरदाल मेरा तेली जी चबड़ो चालो रचे कबाड़ पैद हनु माता कालिंगा नेत्र फुट जानी माता कालिंगा खाबाट मेरा पाड़ का झलर पर रहली आखिर में शिला लोड़ा धर ली माता कालिंगा गर्भ में जन्म लिया दी सदिजान पकड़ो देखो बाखरी का खोल डाले चौशियों लख बादरों गोज चौशियों लखा
खबर कर रहे अगर मवेशी का हलाला गर्दन काट दूं जी मासूम कर दूं दे और कशिना लखर शिंगले नहीं हलाई और दादी और जो दीदी भूली पालक नहीं मरो ना दादू भुड़की खाज में गुण और मुंशी भुड़की खाज में राधा ने कोरिया फूल फानी मैदान का ठोकर दी सब बढ़िया और परमेश्वर है मेरे सब सो बढ़िया है यार पे कह है पे पे पूजा
थर्ड वार्ड को मालिक से मिला मेरी कहीं की सेवा कर से गुरु महादेव को मान का से देख ले हां जन्म को जेठो बाला गोरिया से कर्म को जेठो मिली लगड़िया छी तो कई बात मोर सा लग सा पर शहर में अपन मैया को बार भन्नू को अपन मामू को बार भन्नू तो लागो बट्टा शहर में लगो मेरा और वो देख ले जुताई करिए आप जुताई कर में बुआई करिए मेरा धान बोहली दिल तेरा धान मेरा पोषण भगे आओ तब अपने मैया को पार भन्नू अपने मामू को चौखान में मैया को दरबार में ताजी मखन को भोग लगानू को भैया धान जो मेरा पाक भगे आओ धान पाक गए लवा बे लगे सर तली गेली घाट में कैसे मनी गेली घाट हूँ तो शेषोला मेरा शेतो हटोला मन सवार है बे धान लौगे जगह से आप तो धान को लौगे मेरा प्रभु उखिल सार में लिख सा बुढ़िया उखिल सार में धान लीजिए तो धान पुरो का खेल कर देगा तो उखिल सार में लिख से धान उमड़े तो धन कुटो लगाए दिल तो धान कुट गए जगह साहब अपने मैया को दरबार में मामू को चौखान में को गुरुद्वार में ताजी मुखन को भोग लगानु गुण तो थार पाठ को मालिक से लड़िन को लवाद पाखड़ी को छोड़ खींची ओ लगुड़िया ऐसे मैया को दरबार में मामू को चौखान में तब लग से बड़ मेरा मैया को दरबार होनी तो मामू को चौखान होनी तो फिल्म को थे तो सरबती लिख से तो थर्ड बार को मालिक से टेनिस को बार पाखड़ी को छोट खे से तो बुढ़िया थर्ड बार को मालिक तो मामू को चौखान में तो गुरु को गुरुद्वार में तो ताजी मखन को भोग कसो लगान खोजा पानी छिटले मार दो ये पहाड़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अरे बता दी मैं तेरी ऊपर बेताल चलो पंडित जी को वो दिया 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 अरे बेटा रे। तो दोस्तों देवताओं की जागर पूजा के बाद भोग की परंपरा है और भोग के लिए यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है और भोग बिल्कुल सात्विक यहाँ पे भोजन जो कि बनाया गया था
और यहाँ पे जो है सात्विक पूजा यहाँ पे देवताओं की होती है। तो दोस्तों हमने जो है चितई मंदिर जाके भगवान गुलजू के दर्शन किए, वहाँ की एक वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय गुलजू।